बट आई डोंट नो कि इसे खरीदना चाहिए कि नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप लवर सेजल। सो ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है विद ऑल न्यू प्रोडक्ट्स गाइस, और इस वीडियो में मैंने अपना फर्स्ट इंप्रेशन दिया है अबाउट ऑल दीज न्यू प्रोडक्ट्स। सो आउटकम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, वेरी ग्लोई एंड नाइस। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आए तो, एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो सबसे पहला प्रोडक्ट है हेयर सीरम। हम हेयर सीरम को ट्राई करने वाले हैं। सो दिस इज गुड वाइब्स प्लस आगन प्लस कोकोनट हेयर सीरम। इट इज फॉर फ्रिज फ्री एंड टू प्रोवाइड यू नरिशमेंट। सो लेट्स ट्राई इट आउट। सो चलो देखते हैं कि ये कैसा है। ओ वाओ, दिस इज हाउ इट लुक्स। गुड वाइब्स आर कमिंग विद न्यू लॉन्चेस गाइस दीस डेज। ओके, सो मैंने ज्यादा ले लिया है बट ठीक है, लेट्स सी। Wow, it has amazing smell. Like इतना भी strong smell नहीं है, like very mild fragrance है इसका। Okay, so मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया था but my hair looks like अच्छा सा shine आ गया है। So अभी फिलहाल के लिए तो मुझे product पसंद आ रहा है और मेरे hair भी detangle हो गए हैं apply करते। बहुत अच्छे से detangle हो गया है hair। जब से बीमार पड़ी हूँ तब से इतना hair fall हो रहा है antibiotics की वजह से। So next product is this. This is Revlon Kiss Plumping Lip Cream. I love the name of the product guys, like a plumping lip cream because I have thin lips. So agar plump lips isse milta hai then I'll be more than happy. This is in the shade 530 Peony Buff. It looks nice aur isme thoda sa cooling effect bhi mil raha hai mujhe. Okay guys, now next I'm going to use Wet n Wild 3-in-1 Prime Water. Firstly, the packaging is so cute and I'm using it for the first time. Obviously, this is first impression. But Wet n Wild ka maine usually sirf contour and like contour wagera hi use kiya, aisa kuch prime water wagera nahi use kiya. So I'm really excited to use this. The packaging is really cute, so tiny and nice. So this is Wet n Wild Photo Focus Cucumber 3-in-1 Primer Water. Prep plus set plus refresh and it's cruelty free. Wow. Such fine mist, you know. It smells amazing. Its fragrance बहुत ही अच्छी है. So guys, ये completely absorb हो गया है skin में. It's not at all tacky or something. एकदम ही absorb हो गया है. और ये cucumber का जो fragrance है बहुत ही अच्छा आ रहा है. एकदम mild fragrance है. So अब तक तो मुझे ये पसंद आ रहा है. Now let's move to other product. So this is Mom's Co Natural Vita Rich Under Eye Cream. It reduces dark circles, puffiness and fine lines. So अब क्योंकि मैं मेकअप करने वाली हूँ तो मैं ये यूज करूंगी एंड लेट्स सी ये मेरे मेकअप में हेल्प करता है कि नहीं, अदरवाइज देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मैंने काफी सारे एड्स, काफी सारे रिव्यूज ऑफ ब्लॉगर्स इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर बहुत देखा है। फाइनली आई गेट टू ट्राई इट आउट। सो दिस इज द मॉम्स को नेचुरल वाइटा रिच अंडर आई क्रीम विथ विटामिन ई कॉफी ऑयल एंड B3। एंड नाउ लेट्स जस्ट डॉट इट आउट एंड अप्लाई। वाओ, इट इज गिविंग कूलिंग इफेक्ट। यू नो, जब भी आप आई मेकअप करो सो मेक श्योर, या फिर जनरली आप अगर मेकअप कर रहे हो सो मेक श्योर कि आपकी जो आईज है स्पेशली अंडर आईज है वो एकदम ही हाइड्रेटेड हो, अदरवाइज फिर वो क्रीजेस और फिर एकदम ही ड्राइंग और ओल्ड दिखने लगता है। वाओ, माय आईज फील सुप्रीमली हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड। अब ऑब्वियसली वन ट्राई में तो आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा बिकॉज इट्स अंडर आई क्रीम, आपको डेली अप्लाई करना होगा फिर ही आप अपने यू नो डार्क सर्कल्स पर विजिबल रिजल्ट लाइक आता है कि नहीं आता है इवन आई डोंट नो। बट अभी फिलहाल के लिए जो मैंने यूज किया, इसका जो राउंडेड बॉल है जिसे हम अप्लाई करते हैं, दिस एप्लीकेटर इज अमेजिंग गाइज। इट इज वेल राउंडेड, अदरवाइज अगर थोड़ा भी राउंड नहीं होता तो वो स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं। बट इसका जो एप्लीकेटर है बहुत ही अच्छा है और अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट और मेरी अंडर आईज एकदम मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड दिख रही है। तो चलो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट इज दिस कलरबार स्पॉटलाइट इल्यूमिनेटिंग लोशन। दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। 30 ml है इसमें। सो ये मुझे काफी टाइम से ट्राई करना था इल्यूमिनेटिंग लोशन। मेरे पास आई गेस रेवलॉन का इल्यूमिनेटिंग लोशन है जो कि बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे ड्यूई या फिर एकदम ग्लोई मेकअप चाहिए होता है तभी मैं वो रेवलॉन का इल्यूमिनेटिंग लोशन अप्लाई करती हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। और इसका बॉटल भी बहुत ही अच्छा है, ये मैंने ब्यूटी सेंटर में देखा था। यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट इट एंड द नोजल कम्स आउट।
ओके सर, इसमें पिंक और गोल्डन का यू नो इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेटर आप बोल सकते हो। सो लोशन तो अच्छा है ही, लाइक इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमिश और अच्छा है। ऑल्सो यू गेट ब्यूटिफुल ग्लो ऑन योर स्किन, सो येस आई एम लाइकिंग इट गाइज। आई डोंट नो इफ द कैमरा कैन पिक इट अप और नो, बट मैं मिरर में देख सकती हूँ बहुत ही अच्छा ग्लो मिल गया। सो करेंटली आई हैव हॉरिबल डार्क सर्कल्स बिकॉज मैं बीमार भी थी, इस वजह से बहुत ही ज्यादा हो गया है। सो फर्स्टली लेट्स कंसील आर अंडर आईज। सो मैं यूज करने वाली हूँ पर्पल कंसीलर पैलेट, दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज कोवर्ट ऑपरेशन गार्जियन कंसीलर पैलेट इन द शेड फॉरेन एजेंट 6। दिस इज हाउ द पैलेट लुक्स गाइज। इसमें आपको और भी शेड्स मिल जाते हैं आई गेस, ग्रीन एंड देन ऑरेंज करेक्टर इन एवरीथिंग। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना अंडर आईज करेक्ट करने वाली हूँ। सो ये थोड़ा सा मरूनिश शेड है, आप इसे कॉन्टोर भी कर सकते हो, लाइक एक कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि ये शेड सिर्फ इसी के लिए यूज होगा, बट मैं थोड़ा सा सिर्फ अंडर आईज को कंसील करूंगी, करेक्ट करूंगी। वाओ, इसकी पिगमेंटेशन तो बहुत ही अच्छी है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा पिगमेंटेड होगा। और जहां भी लाइक मुझे थोड़े से स्पॉट्स है तो मैं येलो करेक्टर यूज करूं, बिकॉज मेरे पास ग्रीन है तो आई जस्ट ट्राई विथ येलो वन। सो फार आई एम इम्प्रेस्ड विद द पैलेट, बट लेट्स सी इसके ऊपर कंसीलर कैसे वर्क करता है। नाइस, अब नेक्स्ट मैं ये वाला शेड लूंगी अपने अंडर आईज को कंसील करने के लिए। लेट्स ब्लेंड इट आउट नाउ। वाओ, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस पैलेट गाइस, आप देख सकते हो। तो इस साइड मैंने थोड़ा सा कंसीलर नीचे ले लिया है, बट इट हैज ब्यूटीफुल पिगमेंट गाइस। कलर करेक्शन और कंसीलर दोनों भी लाइक अच्छा वर्क किया है और बिल्कुल भी केकी नहीं फील हो रहा। सो फार सो गुड। अब सेम पैलेट से मैं लाइक अपने बेस मेकअप भी कर लूंगी। मैं ये दोनों शेड मिक्स करके अपना बेस करने वाली हूँ। तो चलो अब थोड़ी सी ब्लेंडिंग भी कर लेते हैं, बहुत वियर्ड लग रहा है फेस में। बेस लुक सो परफेक्ट। अब मैं यूज करने वाली हूँ आई प्राइमर। सो दिस इज स्टे क्वर्की लस्ट एट एवरी साइट आई प्राइमर, लुक टू ग्लैम टू गिव अ डैम। आई डोंट नो इसका शेड नेम तो कुछ ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ओ आई थॉट कि ये व्हाइट या फिर सम बेज कलर होगा, बट इट्स अ क्लियर जेल थिंग। You can see guys, it's a clear gel like primer की तरह ही है, silicone based. So मैं अपने eyelids को prime कर लेती हूँ। Wow, it is giving a smooth texture. I have actually never used eye primer. मैं first time अपने life में eye primer use भी कर रही हूँ, but it's similar जो हम base पर अपने primer apply करते हैं, और इसका जो texture है एकदम ही color bag जो primer है ना उसकी तरह ही exactly same. अब primer के ऊपर मैं concealer apply करने वाली हूँ। ओके, माय आईलिड्स आर नाइसली प्राइम्ड, बट आई डोंट नो व्हाट टू फील अबाउट दिस प्रोडक्ट। इट इज एग्जैक्टली लाइक आर बेस प्राइमर, लाइक कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है। आई डोंट नो आई प्राइमर कैसा होता है, कुछ कुछ आई प्राइमर फॉर श्योर टिंटेड होता है, लाइक उसमें थोड़ा सा यू नो बेजिश या फिर योर फाउंडेशन टाइप मिक्स होता है ना, जैसे प्राइमर में अगर आप फाउंडेशन मिक्स करो तो ऐसे टेक्स्चर का भी ऐसे टिंटेड प्राइमर्स भी आते हैं, बट दिस इज क्लियर जेल और सिलिकॉन बेस्ड है। फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ठीक है मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है तो अच्छे से प्राइम तो हुआ है, बट आई डोंट नो कि इसे खरीदना चाहिए कि नहीं। ओके गाइस, सो मैंने अपना बेस सेट कर लिया है, ऑल्सो मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया बिकॉज आई डोंट हैव एनी न्यू यू नो आईब्रो प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने फर्स्ट इंप्रेशन या फिर आपके सामने ट्राई करूं। सो नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ कॉन्टोर पैलेट। दिस इज फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन आइकॉनिक लाइट्स एंड कॉन्टोर प्रो एज ब्लश पैलेट।
इसमें कोई ब्लश शेड्स नहीं है. आई लव द सिवाना कलर्स अल्ट्रा ब्लश पैलेट गाइस, बट वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया है. सो मैं काफी दिनों से ढूंढ रही थी कि ऐसा कोई सिमिलर पैलेट सिवाना कलर्स के मुझे मिल जाए. सो ये मैंने पर्पल पे एक्चुअली देखा था, तो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस पैलेट एज वेल. इसमें बस मुझे एक डाउन साइड लग रहा है कि इसमें कोई ब्लश शेड नहीं है. सो अगर ब्लश शेड भी होता है तो ये एक कम्प्लीट पैलेट होता है, ट्रैवल फ्रेंडली होता है. ऑल्सो इसमें आपको दो हाईलाइटिंग शेड मिल जाता है, द फर्स्ट वन एंड आई गेस दिस वन. Yeah, I'm super duper excited to try this palette out and I really hope कि अच्छा work करे, because मेरे पास currently ऐसा कोई powder contour favorite नहीं है. So I'll take this shade. बहुत ही pretty लग रहा है, like इन चारों में से बहुत ज्यादा dark लग रहा है मुझे. So I'll take this one. Wow, the pigmentation is amazing. कलर भी काफी ज्यादा अच्छा है, प्लस बहुत अच्छे से प्लेस हुआ है, प्लस बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हुआ है. एकदम ही स्लाइट और एकदम यू नो नेचुरल कॉन्टोर इधर मैंने थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई कर लिया है, बट आई एम लाइकिंग इट. आई लव कॉन्टोर्स, आई लव ब्लश एंड आई लव हाईलाइट, तो इसलिए एक्चुअली ये बहुत ज्यादा ही पिगमेंटेड है. सो यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल यूजिंग इट. लाइक थोड़ा सा पिगमेंट आपको पिक करना है एंड देन यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन ब्लेंडिंग. इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल और ऐसे लग रहा है मैंने ब्लश भी अप्लाई कर लिया है. नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ ब्लश. दिस इज एले कलर्स रैड रूज ब्लश एंड दिस इज इन द शेड चिल CBL 731. Oh my god guys. Okay, आप सबके सामने मैं इसे first time use करने वाली हूँ. I've used it lot of time, like in my previous videos जब मैं ready होकर बैठती हूँ, and I love it guys. So first impression यही है कि just go for it. इसमें आपको golden का flicks भी मिलता है, बहुत ही glowy और एकदम blush cheeks आपको मिल जाते हैं. Can you see the pigment? It's amazing. Wow, I love this blush guys. Like अगर आपको ब्लश खरीदना है तो जस्ट गो फॉर इट. एकदम ही यू नो क्रीमिश फॉर्मुलेशन टाइप है, लाइक क्रीम नहीं है, इट्स पाउडर ब्लश ओनली, बट फिनिश एकदम क्रीमिश ब्लश जैसा है. ओके, नेक्स्ट अब मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर फ्रॉम द सेम मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट. मैं ये फर्स्ट और ये लास्ट शेड मिक्स करके अप्लाई करने वाली हूँ. व्हाट हाउ ब्यूटीफुल. बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, एकदम ही सॉफ्ट और ब्लेंडेड लुक दिया है. इस कॉन्टोर पैलेट के लिए आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड गाइस, बिकॉज इसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी है एंड ऑल्सो इसमें हाइलाइटिंग शेड्स भी है. सो गो फॉर इट गाइस. अब जो सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है मेरे पास फर्स्ट इम्प्रेशन के लिए इज दिस मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट. सो दिस इज मेकअप रेवोल्यूशन लंडन क्रिएटिव वॉल्यूम 1 आई शेडो पैलेट. इसमें आपको टोटल 24 शेड्स मिल जाता है and I can see a colorful palette behind here. So let's see now how the palette looks. Firstly, the packaging is so creative guys. आप देख सकते हो ऐसे मोर पंख का यू नो प्रिंट वगैरह है इसमें. Oh wow! Oh my god guys, this is how the eyeshadow palette looks. It is so colorful. So चलो आज इस colorful creative palette को use करके हम एक colorful eye look create करते हैं. Okay. It was about to fall. My heart just came here. And you also get a full size mirror. आप हनी को देख सकते हो इसमें. Hello. So इस palette में आपको matte shades मिल जाते हैं, shimmer shades मिल जाते हैं. I guess foil shades भी हैं. Let me check. नहीं, foil shade नहीं है, shimmer shade आपको मिलता है. So I'm going to take the shade. The shade name is flawless. And मैं अपने crease पर इसे place करूँगी. सबसे पहले just to warm up my crease. पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, इट्स अ परफेक्ट ट्रांजिशन शेड गाइस. सो माय टुडेज आई लुक इज इंस्पायर्ड फ्रॉम माय टॉप. आप देख सकते हो ऑल द कलर्स आर ऑन माय आईलेट्स एंड आई मस्ट से गाइस द पैलेट इज पिगमेंटेड एंड इट्स लाइक ब्यूटीफुल. तो आप कोई भी लाइक कलर चूज करके आप कोई भी आई लुक क्रिएट कर सकते हो इस पैलेट से. ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं ये ब्लू शेड लूंगी. द शेड नेम इज इंस्पायर्ड और ये एकदम ही परफेक्ट मैचिंग शेड है मेरे टी शर्ट से. इट्स अ ब्यूटिफुल स्काई ब्लू कलर गाइस. Wow. Wow.
shimmer shades I like to apply with my fingers only. And you can see कितना beautiful pigmentation है इसका. Next अब मैं लेने वाली हूँ shade individual, which is a purple violet color. ये वाला shade it's a beautiful purple. और अपने outer V में place करूँगी. And you just have to create a V. Next, I'll take this shade. It's a beautiful pink color, and the shade name is Color. और अपनी lower lash line पर apply करूँगी. Next, I'll take this shade Artistic और अपने inner corners पर apply करूँगी. Wow. Almost my eye look is complete and it has turned out so colorful and so nice. So, काफी दिनों के बाद मैं ऐसा colorful eye look experiment कर रही थी. I must say this palette has done a really good job. Okay, last but not the least, मैंने ये दो lipstick apply किया है mix करके. So, मैंने थोड़ा सा red का सिर्फ dot dot किया था, like 3 dots, and then I have applied this shade nude pretty shade. Now, इसका first impression तो मैंने बहुत time पहले ही आप सबको दे दिया था, like ये मैंने अपने लहंगा वाले video में भी wear किया था. It's a beautiful, beautiful nude shade, guys. Pink nude में है. This is in the shade Upper East Chic Style 4 and this one is in the shade Manhattan Sexy Style 5. So shade 4 and shade 5 from NY Bay Runway Liquid Lipstick से मैंने mix करके apply किया है and it looks so beautiful. Yes guys, this is my final look and this is my first impression. I love this lipstick guys. मैंने already आपको बहुत बार बोला है. So ये वाला shade मैंने first time try किया है. So shade तो pretty है ही but lipstick की formulation भी amazing है guys. आप सब देख सकते हो मैंने wear किया and it's so comfortable. अगर आपको टॉप 3 प्रोडक्ट्स में बताऊं जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मेरे फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो से, सो फर्स्ट इज दिस आई शैडो पैलेट. डेफिनेटली गाइज, जस्ट गो फॉर दिस पैलेट गाइज. लाइक इट्स अमेजिंग, इट्स पिगमेंटेड एंड यू गेट ऑल द शेड्स यू नीड इन लाइफ. लाइक पिंक है, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है, न्यूड कलर्स भी है, शिमर शेड्स भी है. व्हाट एल्स यू नीड, राइट? सो या, first is go for this eyeshadow palette for sure. And second I would like to recommend is this setting mist from Wet n Wild. Oh my god, so beautiful it sets your base guys. Mera bilkul bhi cakey nahi lag raha hai makeup. Itna beautiful sit hua hai. Like I must say bahut hi acha setting mist hai. Iska fragrance bhi bahut acha hai guys. Next I would like to recommend is this purple concealer palette. So beautiful guys, so beautiful. Like इसकी pigmentation, इसका texture बहुत ही अच्छा है. इसमें और भी shades है, आप देख सकते हो. अगर आपको pimples वगैरह है तो आप वो green undertone वाला भी ले सकते हो. उसमें भी आपको concealer और contouring shades मिल जाते हैं. So एक मैं ये recommend करूँगी. Also I would like to recommend this color bar spotlight illuminating lotion. Like yeah, मतलब काफी सारे favorite. Like almost जो product मैंने इस first impression video में use किया है, I would also like to recommend this as well. So वो सारे मुझे पसंद आए. So first impression तो it's amazing guys. Like yeah, so सारे product के codes होंगे description box में. आपको जो भी खरीदना है, ये तो मेरा top 3, top 4, top 5 मैंने आपको बता दिया है. लेकिन आपको जो भी खरीदना आप खरीद सकते हो. Description box में सारे link है. And yes, you can use the code GET100 to get ₹100 off or 10% off, something like that. सब details description box में है. And yeah guys, this is the final look. I am really loving it. And I hope आप सबको मेरा first impression video helpful होगा. Do let me know कि आपको मेरा makeup look कैसा लग रहा है. I hope आप सबको video अच्छा लगा हो. पसंद आए तो like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I love you all so much. Bye.